पंजाब में नरेगा स्कीम की बात करें तो सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब के हर एक गांव में 550 पौधे लगाने की बात कही है। वहीं नरेगा स्कीम के तहत ये पौधे हर गांव में भेजे जा रहे हैं। वहीं इसी के तहत गांव जगीरपुर में 5 महीने पहले 250 पौधे नरेगा स्कीम के तहत भेजे गए थे, लेकिन ये पौधे वहाँ लगाए नहीं गए और ये पौधे पड़े पड़े वहीं खराब हो गए। उधर जब इस बारे में गांव के सरपंच से बात की गई तो सरपंच के पति ने बताया कि ये पौधे उन्हें मिले थे, लेकिन सरकारी टंकी की मोटर खराब होने के कारण उन्हें पानी नहीं मिल पाया, जिनके कारण ये पौधे सड़ गए। सानू कोई बूटा मिले 250 जेदे विच मौसम दी पानी दी घाट होने करके 100-150 बूटा असी लाया सीगा, ते बाकी बूटे साडे कोल नहीं लगा सके असी, ते वो पानी दी घाट नाल होया जी। एक सानू ट्यूबवैल साडा 6-7 बार अपना ही टैंकी दा ट्यूबवैल सड़ गया सी, उहदे करके सानू काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पिया, ते 100-150 बूटा असी लाया सीगा, ते बाकी जिहड़े हुण सानू आउणे ने उहनां वास्ते असी टोए पटाए होए आ, ते वो बूटे लवाने। जब इस बारे में नरेगा के अधिकारी परमजीत कौर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें पता नहीं है और अगर कोई लिखित शिकायत करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर एवें दी कोई मेरे को रिपोर्ट आई नहीं है एज ब्लॉक लेवल, मैं ब्लॉक लेवल ते ऑफिसर हाँ, पर मैंने एवें दी कोई रिपोर्ट अज तक नहीं दी गई कि आए ने तो लगे नहीं, क्योंकि असी सारी जिन्ने भी बूटे आ रहे हैं असी और पूरी पेमेंट कर रहे हैं, पिंडा नू पूरी पेमेंट की जा रही है। सर ए बारे मैंने लिखित रिपोर्ट चाहिए जी, मैं अपने पास कुछ नहीं कमेंट कर सकती, जो मेरे ब्लॉक तो नहीं आएगी मैं और तहकीकात नहीं कर सकती। जागृति लहर के लिए लुधियाना से विपिन जवाहर की रिपोर्ट।